जिंदगी में ना हर चीज जरूरी है। जितना ज्यादा हंसना जरूरी है उतना ही रोना भी, मगर कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। उल्टा यही कहा जाता है कि रोने से क्या होता है, और वहीं गलती से अगर लड़के रो दें तो ये क्या तुम लड़कियों जैसे रो रहे हो? मुझे समझ नहीं आता हम लोग रोने को इतना गलत क्यों समझते हैं, क्यों हर चीज पे लेबल्स लगा देते हैं। अगर रोना इतना ही गलत है तो जरा सोचो, कभी कभी जब आप कुछ ठीक सा महसूस नहीं करते, कुछ वक्त अकेले में रहना पसंद करते हैं, तब ना आपको किसी से बात करने का मन करता है और ना ही कुछ एक्सप्रेस करने का। बस मन किसी बोझ से, दर्द से जो भरा हुआ है वो हल्का हो जाना चाहता है। फिर रोने की वजह मिले या ना मिले, मगर जब आप जी भर कर रो लेते हैं ना और तब अपने आंसू पहुंचते हैं तो लगता है ना जैसे मन पे से कोई वजनदार चीज हट गई हो। हाँ, ये बिल्कुल एक थेरेपी जैसा है। जितना हंसना फायदेमंद होता है ठीक उसी तरह रो लेने से भी मन डिटॉक्स हो जाता है। जैसे किसी दर्द में दबे हुए एहसासों को निचोड़ कर बाहर निकाल दिया हो। इसीलिए कभी कभी रो लेना भी ना बहुत सुकून देता है, और इसे कभी अपनी कमजोरी मत समझना। हाँ कोई बात नहीं, अगर तुम इश्क में हारे हो या फिर जिंदगी से परेशान हो, किसी बात की चिंता है, फ्यूचर को लेकर अनजान हो, देखो जब कभी तालमेल ना बिठा पाओ ना खुद का अपने जज्बातों से, दिल का अपने दिमाग से, और कुछ समझ ना आए कि करना क्या है, तो बस खुद को ऐसी जगह ले जाना जहां तुम खुल कर खुद से मिल सको और इन जज्बातों को आंखों के रास्ते पानी बनकर बस बह जाने दो। क्योंकि अगर इन्हें दबा के रखोगे ना तो ये दिमाग के किसी कोने में बस जाएंगे, जो फिर डिप्रेशन की वजह बन जाएंगे। तो बेहतर है अपने जज्बातों को दिमाग तक का सफर तय मत करने दो, क्योंकि कभी कभी रो लेना भी बहुत जरूरी होता है। और इसीलिए जब आप खुलकर रो सकते हैं तभी तो आप खुलकर हंस सकते हो ना। बिकॉज बेवरेजेस आर मेंट टू बॉटल डाउन, नॉट ह्यूमन फीलिंग्स, एंड दैट्स व्हाई इट्स ओके टू क्राई।